कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी अब मैं जब भी क्रॉप्स लेकर आती हूँ तो मैं शॉपिंग हॉल जो हूँ वो आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना आज भी मैं आप सबके साथ जो हूँ वो ग्रॉसरी हॉल शेयर करूँ। वैसे तो बहुत ज़्यादा ग्रॉसरी नहीं है, बहुत कम सामान है। इस दफ़ा हमने जो है वो 3-4 महीनों वाली ग्रॉसरी नहीं की है, तो लेकिन फिर भी जो भी है मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट से ही सबसे पहले मैंने लिया है सर्फ। ये हाफ के जी के हैं, इसके मैंने 3 पैकेट्स लिए हैं, 1, 2, 3 पैकेट्स। ठीक है जी। और ये है कि ये आराम से, वैसे महीने में मेरे 2 पैकेट तो लगे जाते हैं, लेकिन एक हम लोग एक्स्ट्रा लेते हैं कि कभी इत्तेफाक के ख़त्म हो जाए तो मसला ना हो। इसके अलावा सेफगार्ड के ये वाले पैकेट हम लेते हैं, जिनमें 3 जो हैं ये सोप्स होते हैं। अच्छा मैं आप लोगों को बताऊं, जब भी आप लोग सोप वगैरह लेना तो कोशिश करें कि उसको छोटा वाले जो पैकेट्स है ना वो लें, बड़े वाले पैकेट्स ना लें, क्योंकि छोटे वाले पैकेट्स में आप ज़्यादा सेव कर सकते हैं और बड़े वाले जो पैकेट्स होते हैं वो होते भी डबल कीमत पे। फॉर एग्जांपल अगर हमें ये 100 का मिला है तो दूसरा वाला हमें 200 का मिलेगा, लेकिन उसमें जो है वो इससे कम होगा, लाइक इससे 50 ग्राम ऊपर होगा लेकिन 100 ग्राम तो ऊपर नहीं होगा ना। इस तरह से आप, ये है कि आप इस तरह के भले से 2 ले लें लेकिन आप छोटू वाले लें और इस तरह का पैक लें, क्योंकि इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है सेव ₹20, तो थोड़ी बहुत बचत भी हो जाती है। इसके अलावा मैंने चने की दाल ली है, ये 1/2 kg का पैकेट है। मैदा 1 kg, बेसन 1 kg। इसके अलावा मैंने चीनी के 4 पैकेट्स लिए हैं, 1, 2, 3, 4 पैकेट्स मैंने लिए हैं 1-1 kg की चीनी के, क्योंकि होता दरअसल ये है कि हमारे घर में आजकल ना मीठा थोड़ा सा ज़्यादा बन रहा है, तो इसलिए हम एहतियातन बस ये करते हैं कि हम ना चीज़ें थोड़ी ज़्यादा इसलिए ले लेते हैं कि महीने के एंड पे हमें कुछ ख़रीदना ना पड़े। और आगे चलते हैं। इसके अलावा मैंने लिए है डिटॉल। डिटॉल की मैंने छोटी बोतल ली है, वैसे मैं बड़ी लेती हूँ। इस दफ़ा मैंने छोटी इसलिए ली है क्योंकि फ़र्श के लिए मैंने ऑलरेडी डिटॉल का जो है वो दूसरा वाला पैक मैंने लिया है, तो इसलिए मैंने ये छोटू वाली बोतल ली है ताकि नहाने वहाने के लिए बच्ची को बेटी को मैं जैसे नहलाती हूँ तो उस पानी में डालने के लिए। और ये पता नहीं कौन सी कंपनी का लग रहा है, सुपर का है कोई एक्टिव क्रॉलिंग इंसेक्ट किलर पाउडर, तो इंशाल्लाह ताला मैं ये यूज़ करूँगी और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका रिव्यू भी ज़रूर दे दूँगी। लेकिन पहले जो है हम मॉर्टिन यूज़ करते थे, इस दफ़ा ये पता नहीं कैसे आ गया। और वैसे तो हम नेशनल का पिंक सॉल्ट यूज़ करते हैं, लेकिन इस दफ़ा ना नेशनल का बिनाशी में पड़ा हुआ नहीं था, तो ये हब सॉल्ट का हम लोगों ने पिंक सॉल्ट लिए हैं। 4 मैंने चिकन क्यूब्स लिए हैं, 2 जो हैं वो क्यूब्स हैं चिकन सूप स्टॉक के, और सेकंड जो हैं वो मेरे पास हैं पुलाव सूप स्टॉक के। दूसरे वाले मेरे पास पड़े हुए थे चिकन क्यूब्स, तो मैंने जो है फिर वो वाले इसलिए नहीं लिए। और आगे अब हम चलें तो सनसिल्क का मैंने, अच्छा मुझे ना इसकी स्मेल बहुत प्यारी लगती है, ये वाला जो शैम्पू है ना इसकी मुझे स्मेल बहुत प्यारी लगती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार लेट्स परचेज दिस। ठीक है जी। इसके अलावा ये फलक की 2 मैंने सेवैयों के पैकेट लिए हैं, वो जो बारीक वाली सेवैयाँ होती हैं, दूध वाली सेवैयाँ तो हमारे घर में नहीं बनती हैं, हम लोग ज़्यादातर किसी को भी मतलब खाना प्रेफर करते हैं। मसालों में मैंने ऐसा कुछ खास नहीं लिया, सिर्फ ये कुटी हुई लाल मिर्चें जो कि मैंने ख़रीदी हैं। और इसके अलावा मैंने ये 3 सॉसेस लिए। मैं अच्छा मैं हमेशा नहीं छोटू वाले लेती हूँ शंगरीला के, क्योंकि उससे ये होता है कि एक तो तीनों चीज़ें आपको एक साथ भी मिल जाती हैं, दूसरी बात ये कि मेरा फ्रिज छोटा है तो मैं बड़ी वाली बोतल रख नहीं सकती, तो ये आराम से मेरी 5-6 महीने चल जाती हैं। इस दफ़ा ख़त्म हुई थी तो मैं लेकर आई हूँ। किनोर का ये मैंने फैमिली पैक लिया जिसमें से मैंने इस्तेमाल कर लिया था, और ये इस तरह से होते हैं अंदर से, इनके ऊपर लिखा हुआ होता है नॉट फॉर सेल, ताकि कोई इंडिविजुअली मतलब एक साथ खरीद के जो है वो इंडिविजुअली सेल ना करें। और
ये जो सवैयाँ होती हैं वो हैं अगेन बिन हाशिम में सूफी की सवैयाँ हम लेते हैं, सूफी की सवैयाँ नहीं थी तो ये केडी करके कुछ है सवैयों का पैकेट, तो फिर हमने ये ले लिया क्योंकि ऑल्टरनेट तो कुछ ना कुछ लेना ही होता है, अब आप बार बार तो नहीं जाते शॉपिंग करने। ये फिनाइल की गोलियाँ हैं जो कि मैंने ली हैं किचन में, एक्चुअली कैबिनेट्स वगैरह में ना कुछ कॉकरोचेस वगैरह ज़्यादा ही हो रहे थे, इंसेक्ट्स वगैरह, तो मैंने सोचा कि खोल के वहाँ पर मैं डाल दूँगी। इसके अलावा लेस के मैंने 3 पैकेट लिए थे जिनमें से सिर्फ एक बचा है, और चॉकलेट का एक पैकेट है जो कि मैंने लिया है पैराडाइज का, ये मतलब ये पूरा डब्बा लिया, आई थिंक ये 10 रुपीज़ की है, देखें लिखा हुआ है 10 रुपीज़, तो ये मैंने ली है। डालडा की 1-1 किलो वाले मैंने 2 वो लिए हैं, पैकेट्स लिए हैं 1-2। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने कोकोमो लिया है अपनी बेटी के लिए क्योंकि मेरी बेटी को कोकोमो बहुत पसंद है। इसके अलावा मैंने लजीज़ा की जो है वो शीर खोरमा मिक्स, अच्छा मैंने कभी लजीज़ा वालों का ट्राई नहीं किया, इस दफ़ा मैं इंशाल्लाह ताला ट्राई करूँगी, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं रिव्यू भी दे दूँगी। फिरनी खास है तो ओके मैं यूज़ करती ही हूँ। और ये ही राइस पुडिंग है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने शान के मसालों में सिर्फ 2 पैकेट्स लिए हैं, पुलाव बिरयानी का लिया है, पुलाव बिरयानी के ही 2 पैकेट्स हैं। एक्चुअली मैं पंजाबी बिरयानी का एक पैकेट देख रही थी लेकिन वो छोटा वाला है, मैं हमेशा डबल वाला लेती हूँ तो इसलिए मैंने फिर वो नहीं लिया। राइट बिस्किट का मैंने एक लिया क्योंकि मैंने सोचा था कि ओरियो को हटा के मैं ज़रा राइट बिस्किट केक वगैरह या कोई पुडिंग वगैरह इस तरह की बना के देखूँ, क्योंकि मुझे ओरियो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, राइट बिस्किट मुझे अच्छा लगता है शुरू से ही। इसके अलावा मैंने नेशनल का अचार लिया है, मिक्स अचार, मैं मिर्चों का अचार ढूंढ रही थी लेकिन मिर्चों का अचार क्योंकि इनका अच्छा होता है नेशनल वालों का, लेकिन मुझे मिर्चों का अचार नहीं मिला तो फिर मैंने मिक्स अचार ले लिया। आम का पड़ा हुआ था लेकिन आम का मेरा लेने के इतना ज़्यादा कोई मूड था नहीं। और ये नेशनल चिली गार्लिक सॉस है, ख़त्म हुआ हुआ था अगेन तो मैंने ख़रीदा। इसके अलावा मैंने ये मैकरोनी के पैकेट ख़रीदा है, साथ में मैंने ये कैल्सन की स्पैगेटी का पैकेट ख़रीदा है। तो जी अब मैं आपको दिखा देती हूँ हालत जो सामान की होती है ना ग्रॉसरी की, जब आप इस तरह से वीडियो शूट करते हैं तो है ये, अब मुझे तो इन चीज़ों को सामान समेटना है ठीक है जी, लेकिन मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे अपने घरों में, और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें यार, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो और आपको इतना ज़्यादा जो है वो रिस्पॉन्स ना मिल रहा हो। तो खैर मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।